सबसे पहले तो डिजाइन पे क्लिक करना होगा ना। जी सर। उसके बाद जी सर। सर कॉन्क्रीट पे क्लिक करना है। उसके बाद सर कोड लेना है वहां से IS 4 5 6। उसके बाद सर डिफाइन पैरामीटर्स। क्लियर 0 3 नेम के लिए और 0 4 कॉलम के लिए। कॉलम के लिए एफ सी जी सर। 2 5 1 2 3 0 ठीक है। एफ वाई मेन जी सर। एफ वाई मेन कितना 45 मैक्सिमम कितना लेना है? मैक्सिमम सर 12। मैथ सेकेंडरी 10। मेन मेन 10। मैथ सेकेंडरी 8 है वो सर। ठीक है आगे हमारे पैरामीटर्स। अब कमांड में आना है सर। यहाँ से बीम कॉलम और टेक ऑफ। अब इनको असाइन कर दें। ये कहाँ जाएगा? क्लियर तो सर उस पे जाएगा बीम पे। ठीक है बीम पे कर देते हैं। ये कॉलम पे? ये कॉलम पे। यस सर। ये कॉलम पे हो गया। एफ सी सर ऑल ओवर पाया। असाइन टू व्यू F by main, F by secondary, max, leave me assigned to you, leave me assigned to you, or leave me assigned to you. A beam. बीम में सर कॉलम। सिमिलरली कॉलम ठीक है चालू हो गया सर। जी सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सारे मिल गए? अब क्या करना है? जी सर। सर एनालाइज पे जाना सर डायरेक्ट। आउटपुट फाइल चेक कर। जी सर। रिजल्ट पे और कंक्रीट डिजाइन। यस सर। तो ये बीम नंबर 1 की डिजाइनिंग आ गई देखो। यस सर। ये उसके बार्स आ गए नीचे। यस सर। ये आपका बीम नंबर 2। यस। ये उसकी डिजाइनिंग। यस सर। तो ऐसे पर्टिकुलरली सारे बीम्स की आ जाएगी। यस सर। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। जी सर। अब कॉलम की देख लेते हैं। ये कॉलम की है आपकी। स्टील एरिया इतना है, कंक्रीट एरिया इतना है। 8 सरिया डालनी पड़ेंगी 12 की। ठीक है। फुली डिस्ट्रीब्यूटेड सारी चीज आपको यहाँ मिल रही है। अब टेक ऑफ देखो। टेक ऑफ में आपका टोटल
जो कंक्रीट लगेगी कितनी है, 74.2 क्यूबिक मीटर। फिर आपका ये 8 बात की डलिया सरिया कितनी डलेंगी, 26,684, और 10 बार कितनी डलेंगी, 10,508, और 12 की कितनी है, 35,530। टोटल कितना होगा वेट के अकॉर्डिंग है ना सर? हाँ जी, इन न्यूटन। 72722 इन न्यूटन। यस सर। ठीक है, 72,722 ये तो हो गया थ्योरेटिकली। यस सर। अब देखो, अब किसी भी बीम पे तुम क्लिक करोगे तो इसमें एक अंकित डिजाइन के टैब ऐड होंगे। ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन कहाँ पे, 800 पे। यस। 000 पे आपकी कितनी सरिया डली है इसमें, 4। और 1500 पे, 4। और 3000 पे, 6। तो इस तरह से आप हर एक बीम का भी चेक कर सकते हैं। यस सर। नहीं तो फिर पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जा करके, तो यहाँ पे बीम में आ रहा है, बीम में यहाँ पे आपको सरिया तो नहीं दिखेगी, और सरिया तो ऐसी दिख पाएगी अभी तो इसमें। ठीक है, किसी भी कॉलम का क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। देखो कॉलम में कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 4, 8 डली हुई है इसमें। कर ले कौन, 12 है सर ये साइड के दो वाले। हाँ 12 है, 12 बारह, यस सर। चार ये और फिर 4 बीच में। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसमें लिखा भी है नंबर ऑफ बार साइज कितना है, 12, और बार नंबर कितने, 12। ओके, तो ये तो आपका क्या, कंक्रीट डिजाइन। जी सर। अब क्या करना है हमें, आरसीसी। आरसीसी के लिए कहाँ जाओगे, कंक्रीट डिजाइन पे, यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन है, या फिर आप जाओगे कमांड में, और इसमें आपका नहीं, कमांड में नहीं, मोड में, और यहाँ से क्या चूज करोगे आप, इंटरेक्टिव डिजाइन और क्या, कंक्रीट डिजाइन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, कंक्रीट पे डिजाइन कर दो, तो एक भी नई विंडो खुल के आएगी आपकी। यस सर। तो इसमें सबसे पहला काम है आपका एनवेलप बनाना। क्या बनाना, एनवेलप। तो एनवेलप में आपका दो बार बनेंगे आपके एनवेलप, क्योंकि आपके पास कॉम्बिनेशन कितने, दो है। तो yes, एक बार आप x के लिए चेक करोगे और एक बार y के लिए, z के लिए, सही कह रहे थे आप। ठीक है। yes, तो आप यहां से एनवेलप वन बनाओ, इसका नंबर दे दो ex। ठीक है, e फॉर एनवेलप और x फॉर द डायरेक्शन। ओके करो। yes, तो पहला वाला आपका किसके लिए था, x के लिए था। जी सर। यस सर। आ गए इधर जी। यस सर। दोनों नहीं लेने, दोनों पे तो फिर दोनों एक ही में आ जाएंगे। ठीक है जी सर। ओके कर दो, फिर दूसरा लो यहाँ पे, ये क्या होगा, ई जेड। ई जेड। और यहाँ से दूसरा वाला कॉम्बिनेशन चूज कर, और हो गया जी सर, दो बन गए। अब यहाँ से मेंबर्स पे जाओ। मेंबर्स। और मेंबर्स को क्या कर लो, यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद में इस पूरे को सिलेक्ट कर लो। कर लिया जी सर। जी सर। अब ऊपर वाले यहाँ पे मेंबर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। और ऑटो फॉर्म मेंबर्स करना है। तो इसमें कुछ नंबर से आ गए होंगे रेड कलर से। जी सर। यस सर।
इससे क्या हो रहा है देखो, ये आपका एक बीम है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन में, यस सर। तो इसको इसने एक ही नाम दे दिया है, M5, M5, M5 और M5। ऐसे करके देखो ये आपका एक ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको एक ही नाम दे दिया है M50, M50, M50। तो पर्टिकुलरली हर एक बीम को उसने ऐसे ही नाम दिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद में जाना है आपको ग्रुप एंड ब्रीफ्स पे। किस पे? ग्रुप एंड ब्रीफ। अच्छा, इसमें ये देखो, अगर आपको ये नीचे वाले जो दो कॉलम है जो हमने इनके लिए अलग से वो लिया था लोड, तो क्या ये आपको वो बनाने पड़ेंगे, मतलब इनके लिए अलग से डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, सरिया अलग से डालनी पड़ेगी मोटी वाली, या सबके लिए एक ही बनाते ऊपर से नीचे तक? सर जिसके सर अलग है कवर और वो सर एरिया, तो सर उसके लिए अलग कर सकते हैं वैसे हम? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सरिया, उसमें जैसे कि तुम सबको 12 से कर रहे हो, नीचे वालों को 16 के साथ कर सकते हो। यस सर। सर वो हमने डिफरेंस के लिए तो डाला था कि नीचे के स्ट्रेंथ ज्यादा रहे ऊपर से। हाँ हाँ, लेकिन सरिया तो उसमें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो ना। हाँ सर, ये भी चल जाएगी 12 की भी। कल तो सर 12 की भी। हाँ, तो देखो यहाँ से आपको ये ब्रीफ बनाने में सबसे ज्यादा वो आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। आप यहाँ से ब्रीफ लोगे तो यहाँ पे दे दो सबसे पहले क्या, बीम। बीम के लिए बनाते हैं पहले, बीम नाम दे दिया। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, IS456, और नाम क्या दिया यहाँ पे? दो ऑप्शन आ रहे होंगे आपके डिजाइन टाइप में, बीम और कॉलम। बीम के थ्रू जाओ तो यहाँ से देखो आपको प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि मिनिमम कवर क्या रखना है आपको, 30 और ये 30, और कंक्रीट ग्रेड 25। देखो ये आपसे पूछा है एनवेलप आपको कौन सा चूज करना है इसके लिए, X। Okay. अच्छा, एक तो ये तरीका है कि पहले आप इसको क्या करो, एक बार X के लिए बना लिया, ठीक है, पूरा X के लिए आपने डिजाइन करके देख लिया कि भाई पास हो रहा है जी सर। और फिर एक बार फिर आपको यहाँ एडिट में जा करके फिर से यहाँ पे क्या कर देना है, इस पे एडिट पे जा करके यहाँ से EX के का EZ चूज कर लेना है, फिर इसके लिए चेक कर लो। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि आप दो ब्रीफ बनाओ, एक बार X के लिए और एक बार Z के लिए, Z के लिए। और फिर यहाँ पे ग्रुप भी आपके उतने ही बनेंगे जितने आप एक्स के लिए बनाओगे, और उतने ही आपके किसके लिए बनेंगे, जेड के लिए बनेंगे। तो ये ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो सबसे पहले हम एक्स के लिए ही करते हैं, जेड के लिए देखते हैं बाद में, ठीक है जी सर। इसको एडिट में जाते हैं, ये हमने कवर दे दिया था, ये दे दिया, और हमने एक्स वाला एनवेलप भी चूज कर लिया यहाँ से। अब मेन रेइंफोर्समेंट में आपको क्या डालना है, टॉप बार क्राइटेरिया में 10 और 12, यस सर, और यहाँ भी 10 और 12, ठीक है, यस सर। और कुछ शेयर में 8 की डली हुई है, ये 415 कर दो और ओके कर दे जी सर। अच्छा, अब एक और बनाना पड़ेगा आपको, किसके लिए, कॉलम के लिए। कॉलम के लिए, और यहाँ से आपको क्या चूज करना पड़ेगा, कॉलम। कॉलम, ओके। यहाँ से आपको ग्रेड चूज कर लो, लिंक में आपका 415 8 की आ रही है, और यहाँ पे बार का साइज क्या रखना है आपको, 8 12 16। लोड तो ठीक है, और फिर आपको जाना है मेंबर लोड केस में, और यहाँ से आपको ये कंसीडर करने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन लोडेड। हाँ, दोनों को ही कर लो, जो
और ओके कर। ठीक जी सर, कोई डाउट? नो सर। दो बन गए यहाँ पे जी सर। अब यहाँ, हाँ जी, अब यहाँ से करो क्या, इसका यू चेंज करो और सारे के सारे बीम्स को सेट कर लो और ये इसमें ऐसे ही होंगे और कोई तरीका नहीं है। जी सर। आ गए? जी सर। अब यहाँ पे न्यू डिजाइन ग्रुप पे क्लिक करो। जी सर। तो ये जो आ रहा है क्या आ रहा है? डिजाइन ब्रीफ, मतलब जो हमने यहाँ ब्रीफ बनाई है उसके अकॉर्डिंगली इनको बीम्स को डिजाइन करेगा ये। जी सर। जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी बीम में लगाई थी, याद होता आपको? जी सर। तो यहाँ डाल दो बीम। यस सर। और ओके कर दो। तो यहाँ पे आपका ग्रुप वन क्रिएट हो गया, देखो। यस सर। और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है ग्रुप वन, और यहाँ इसके अंदर दिखा रहा होगा आपको सारे मेंबर्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं। यस सर। अगर ये आपको नहीं दिखा रहा है, कभी कभी नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब आपने गलत किया, दोबारा से करना पड़ेगा। ओके सर। आप फिर से इसका व्यू चेंज करो, इस बार क्या सिलेक्ट कर लो? कॉलम। हो गए? यस सर। अब फिर से यहाँ पे क्लिक करो न्यू डिजाइन ग्रुप पे और यहाँ पे नाम दे दो कॉलम। कॉलम। और यहाँ से क्या चूज करोगे? कॉलम। और क्या कर दें? ओके ओके। तो देखो कॉलम के भी आ गए आपके। जी सर। दो ग्रुप बन गए हमारे। ठीक है जी। अब जाओ कंक्रीट मेंबर को। किसपे? कॉलम में कुछ दिखाई नहीं रहा आपको भी। तो आपको इसको एक बार फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है, डिजाइन पे क्लिक करो, डिजाइन नाउ कर दो। तो देखो सारे ओके हो गए आपके। यस सर। ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ये ग्रीन कलर से शो हो रहा होगा सबसे। यस सर। अब यहाँ से इस पे क्लिक करो और ओके करो, मतलब कॉलम वाले के लिए। और फिर से कॉलम को डिजाइन करके देखो। तो देखो आपके कॉलम भी क्या है, सारे के सारे ओके हैं, है कि नहीं? यस सर। अब इसमें एक चीज देखते हैं, पहले बीम चेक करते हैं। बीम में देखो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, मेन लेआउट। मेन लेआउट क्लिक करके देखो इस पे। तो देखो आपको यहाँ दिखा रहा है मेन लेआउट में कि कितनी बार ली हुई है, चार सर। और टेबल में दिखा रहा है आपको कि बार डाया 12 का है, बार डाया 12 का है, एक्स डिस्टेंस इतना है, स्टार्टिंग डिस्टेंस इतना है और एंडिंग डिस्टेंस इतना है। यस सर। ये आपका किसका, लेयर वन टॉप में। इसमें लेयर एक ही लेयर डली हुई है, अगर इसके नीचे एक और आता तो लेयर टू में भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखाता। यस सर। तो लेयर बॉटम में देखो, वन में भी आपके दो ही हैं, 10 की हैं। यस सर। लेयर टू है नहीं यहाँ पे, तो लेयर टू को नहीं दिखाएगा। तो ये इसका देखो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है यहाँ का, इसको आगे पीछे करके इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकते हो आप। जी सर। या ये आपका मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है जी सर। अब दूसरी वाली बार का देखना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो। तो देखो इसमें आपकी दो लेयर डली हुई है ऊपर। यस सर। तो पहले लेयर वन देखो टॉप में कितने हैं, 10 की बार डायमीटर 10, 3 है ना? यस सर। तो 3 दिखा रहा है आपको। यस सर। एक्स का डिस्टेंस
स्टार्टिंग डिस्टेंस और एंडिंग डिस्टेंस। लेयर लेयर टू में देखो टॉप पे आपकी दो बार डली है, तो दो दिखा रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिखा रहा है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। जी सर। अब ये है मेन रेनफोर्समेंट, ये तो मेन लेआउट था, ये आपको हर एक उसमें रेनफोर्समेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये हर एक डिस्टेंस पे कितना कितना जा रहा है आपका, देखो 3 मीटर के 3 मीटर तक दिखाएगा आपको, क्योंकि आदमी 12 की है ना अभी टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यस सर। सो ये तो 12 की है। हाँ, तो 12 तक दिखाएगा आपको पूरा, देखो आगे 12 मीटर तक। यस सर। ऐसे ही आप सैगिंग में देख सकते हो, ये आपका शेयर फोर्स है। ठीक है जी सर। फिर आप शेयर लेआउट देख सकते हो, ये आपका शेयर लेआउट है, टाइप्स बांधने वाले। जी सर। 8 की बार यूज किया 75 mm पे। ऐसे ही आप शेयर की प्रॉपर्टीज देख सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर शेड्यूल भी कर सकते हो, इस फाइल को आप ऑटोकैड में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, 3 क्रॉस सेक्शन काट के दिखा देगा आपको ये फाइल, आपकी DXF फॉर्मेट में ऑटोकैड में खुल जाएगी। फिर आप इसमें सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो जो आपको करना हो। ठीक है जी सर। तो ये किसके बारे में था? भीम के बारे में। अब यहाँ से कॉलम को चूज कर लोगे तो अब जो प्रॉपर्टी आएगी वो किसके बारे में आएगी? कॉलम के बारे में। कॉलम, तो वो ही देखो यहाँ पे भी है मेन लेआउट आपका, देखो दिखा रहा है 12 सरिया, 4 4 8 12 सरिया आ रही है। ये आपका शेयर लेआउट दिखा रहा है, शेयर में किस तरह से टाइप्स होंगे आपके। जी सर। ये आपका एक रिंग ऐसे आएगी और एक रिंग आपकी ऐसे आएगी। ठीक है, कैसे आएगी मतलब? मतलब एक ऐसे करके बंधेगी। जी सर। और एक ऐसे करके बंधेगी, देखो। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, अब ये आपका रिजल्ट आ गए सारे के सारे। यस सर। यहाँ पे आपको टोटल बार दिखा रहा है, डिस्टेंस एरिया दिखा रहा है। ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह से आपके पास सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. ठीक है, यहाँ से भी आप लोड चेंज कर सकते हो। अब आपको दूसरे वाले के लिए जाना है तो आप कहाँ जाओगे? डेस्क लेयर पे जाकर के बेसिक ग्रुप ब्रीफ में जाओ और यहाँ से एडिट कर दो इसको। आपको यहाँ EX की जगह क्या ले लो, आप EZ ले लो। EZ. ठीक है, EZ ले लिया। अब सारी चीजें तो वही रहेंगी। जी सर। सारी चीजें बदल गई होंगी, देखो अब यहाँ पे फिर से इसको फिल दिखाएगा वो। जी सर। अब यहाँ से डिजाइन में जाके डिजाइन नाउ कर दो तो ये भी आपका ओके हो गया, देखो। यस सर। तो इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है। यस सर। क्योंकि कॉलम में तो हमने दोनों लिए थे ना लोड। जी। इसलिए अब ये तो हमें यही रखना पड़ेगा। तो आपको ओके भी पास हो गए सारे बीम्स, देखो। यस सर। तो ये होता है आपका क्या, RCC डिजाइन, जिसमें आपको ये सारी चीजें बताता है कि फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।